क्षेत्र की जवाहर कृषि मंडी आ चुकी है। जवाहर कृषि मंडी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कल 21 जुलाई को आगमन है। हम आपको बता दें, एक बड़ा कार्यक्रम जवाहर कृषि मंडी में होने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। चिचली विकासखंड, साईकला विकासखंड और आसपास की जो महिला है जिनको लाडली बहना योजना के अंतर्गत फायदा हो रहा है, वह सभी महिला इस कार्यक्रम में उपस्थिति होंगे। हम आपको बता दें, एक दिन पहले ही जिला की कलेक्टर ऋजू बाबने ने यहाँ आकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली थी। एसडीएम गाड़ावर की जयंती ने यहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी ली थी। यहाँ पर समस्त जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे तहसीलदार की बात करें, चाहे पुलिस व्यवस्था की बात करें, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी यहाँ पर देख रेख करने के लिए आए, तो यहाँ पर व्यवस्था चालू है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आ रहे हैं। 70 बैच लीज संयुक्त परियोजना का यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। हम आपको बता दें, यहाँ की विशेष मांग है जिला बनाने की। नरसिंहपुर के कांग्रेस, दादावाड़ा विधानसभा के कांग्रेस नेताओं ने हो, चाहे यहाँ के नागरिक हो, उन्होंने जिला बनाने की मांग गाड़ावाड़ा की रखी है। देखना है कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं। दूसरी, हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान तक बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि कृषि मंत्री जो कमल पटेल जी हैं, साईकड़ा से ये गाड़ावाड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पर साईकड़ा नगर है, वहाँ पर उन्होंने 2 साल 7 महीना पहले वहाँ पर कृषि मंडी का शुभारंभ किया था, लेकिन कृषि मंडी चालू नहीं हुई। किसान उनसे सवाल भी करेंगे कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, साईकड़ा की कृषि मंडी आखिर कब चालू होगी। गाड़ावाड़ा में जो अव्यवस्थाएँ फैली हुई हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर घटनाएँ हो रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है प्रशासन पर, यह बड़ा सवाल होता है। कई लोग उनसे मांग करने वाले हैं कि इस प्रशासन की सही व्यवस्था कब होगी। लेकिन गाड़ावाड़ा जो ओसो लीला स्थल भी कहलाता है और यहाँ से साईकड़ा 25 किलोमीटर की दूरी पर है, दादा धुनी वाले की नगरी, जो पूरे भारत में दादा धुनी वालों का लीला स्थल कहलाता है। साईकड़ा की कृषि मंडी कब चालू हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आखिर कब सुधार होगा। गाड़ावाड़ा की सिविल हॉस्पिटल में कई बार यहाँ पर अगर रात में मरीज आते हैं तो उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। सवाल यही होता है कि अक्सर यहाँ पर जो नागरिक हैं, सेवाओं के जरिए अपना जो ब्लड वहाँ डोनेट करते हैं, रक्तदान महादान के अंतर्गत वह शिविरों में भाग लेते हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जब मरीज रात्रि में आते हैं तो उनको रक्त क्यों नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर रक्तदान की भी अच्छी व्यवस्था हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन जवाहर कृषि मंडी में होने वाला है, तो यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि उनको पक्का कर दिया जाए कि सालों से वह काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर उनकी मांग है कि हमको भी यहाँ जब जवाहर कृषि मंडी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो स्थाई कर्मियों का नियमितीकरण है वो होना, ये हो जाए। और समयमान वेतनमान की जो मांग है जो यहाँ पर कर्मचारी करते हैं जवाहर कृषि मंडी की, तो उनका यह मांग उनकी पूरी कर दी जाए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर जिला के गाड़ावाड़ा नगर में जरूर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो बसूरिया के किसान हैं उनकी जब जो गेहूं की जो फसल कटी थी और चना की फसल कटी थी, उस टाइम उनको मुआवजे की बात बोली गई थी, लेकिन उनको मुआवजा मिला नहीं है। तो ये बात भी है कि उनको मुआवजा आखिर कब मिलेगा, ऐसी मांग वहाँ के किसानों ने की है। तो गाड़ावाड़ा की नगरी में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सभी ने स्वागत किया है और एक बड़ी आशा है कि नरसिंहपुर जिला का गाड़ावाड़ा नगर कब जिला बनेगा, ऐसी मांग भी गाड़ावाड़ा की है। तो मैं यह बड़ी खबर आपको बता रहा था, आप देख सकते हैं बड़ी तैयारी नगर पालिका की जवाहर कृषि मंडी में हो रही है और यहाँ पर पूरे प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था। मैं VIP चैनल से बिलो चौक से।